Because I'm too bad. My front camera. Okay. Let me see the people are coming. Okay. So I am on live. Assalamu alaikum, and I hope you are well and safe from COVID, and you are you know, apna khayal rakh rahe hain. SOPs ko follow kar rahe hain, jo ki aaj kal hum itna zyada nahi kar rahe hain, lekin thoda sa hum logon ne na is वायरस को थोड़ा सा ना वो कर लिया है, क्या कहते हैं उसको, फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर करोना है, क्योंकि करोना ने क्या किया है कि वो इतना हिसाब भी तक उसका कुछ हल ही नहीं निकल रहा है. सो देन पीपल आर यू नो वो यूज टू होते जा रहे हैं डे बाई डे. ओके, सो टुडे आई एम हेयर बिकॉज आप लोगों ने कल मेरा एक स्टोरी देखा होगा और माई इंस्टाग्राम, आई टॉक अबाउट माई हेयर फॉर्म जो मैंने अपनी यू नो इन दिस होल माई नॉट लाइक लाइक छोटी सी जो मेरी एक जर्नी रही है माई मॉडलिंग पीरियड एंड माई एक्टिंग पीरियड, उसमें ऑब्वियसली आई फेस सो 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 मैनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग माई हेयर फॉल एंड माई हेयर. ठीक है, सो सबसे पहले जब मैंने कल वो एक स्टोरी डाली थी तो मुझे जानना था कि लोगों के साथ भी क्या वही सेम प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे थे, क्योंकि हमारे बारे में लोग ये कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर जो मेरी अम्मा हैं, सो मेरी अम्मा का कहना ये है कि अरीबा तुम्हारा बाल जो है वो ज़्यादा ख़राब इसलिए है सब बहनों में क्योंकि तुम एवरी डे ब्लो ड्रायर कराती हो, एवरी डे तुम्हारे जो है क्या कहते हैं कुछ ना कुछ बालों में प्रोडक्ट लग रहा होता है, या नहीं भी लग रहा होता तो यू आर ऑल्सो यूजिंग समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ के ओके ये कुछ नया आया है, लेट्स ट्राई दिस और दिस. सो ये कुछ है मतलब. तो मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता था आफ्टर यू नो जब मेरी अम्मा इस तरह की बात मुझसे करती थी, मुझे भी लगता था कि मे बी शी इज़ राइट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं यू नो टीवी पे रोज़ रोज़ ब्लो ड्राई कराना और रोज़ रोज़ स्ट्रेटनर चीज़ें करना, तो मे बी शी इज़ राइट. बट देन मैंने जब ये स्टोरी डाली, आई हैव सीन सो मैनी ऑफ यू गाइज जिन्होंने मुझे बताया, जिसमें से आई थिंक 60% गर्ल्स हैं और 40% जो हैं वो बॉयज़ हैं जिन्होंने मुझे कहा कि उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि लड़का या लड़की हेयर फॉल प्रॉब्लम जो है वो हम कहते हैं कि अच्छा ओके फाइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लड़कियाँ क्योंकि लड़कियों को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सम हाउ दिस इज राइट बिकॉज क्योंकि हमें हमारे लंबे बाल पसंद होते हैं, हमें ही नहीं हमारे फैमिली वालों को भी होता है कि लड़की के बाल बड़े होने चाहिए, इवन यू नो लाइक आप लोगों के हस्बैंड्स को और बॉयफ्रेंड्स को फियांसेस को सबको होता है कि यार बड़े बाल होने चाहिए लड़कियों के, तो बस बड़े बाल अच्छे लगते हैं. सो देन ऑब्वियसली हम लोगों को कहीं ना कहीं लड़कियों को ये फील होता है कि बाल लंबे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. जब मैंने तो खैर मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े, बहुत सारे वो जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वो सब मैं पढ़ रही थी बाय द वे, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी था, जानना था ना कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है. अच्छा, देयर आर सो मेनी पीपल सेइंग के व्हाट्स योर वेट, एक्चुअली क्या हुआ है ना कि आई एम फूडी एंड हमारे पाकिस्तान का खाना आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे, हाउ कैन यू स्टॉप योर हैंड ऑन फूड. तो यही मेरे साथ हुआ जब से मैंने एक्टिंग शुरू करी. सो एक्टिंग के बाद ऑब्वियसली आई स्टार्ट ईटिंग खाना डिफरेंट तरीके का. उसका भी एक रीज़न यही है बालों से रिलेटेड, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रही थी और मैं खाना नहीं खा रही थी प्रॉपरली, तो मेरे जो बाल थे वो बहुत बहुत गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब ना मुझे हेयर फॉल हो रहा था. उसका रीज़न यही था, आप डाइटिंग बहुत क्रेज़ी कर रहे होते हैं और वो आपकी पूरी बॉडी की हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, तो वही मेरे साथ भी हो रहा था कि मेरे बालों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था. सो देन आई स्टार्ट ईटिंग, मुझे तो मौका मिल गया खाना खाने का, सो देन आई स्टार्ट ईटिंग. एंड देन जब खाना ही शुरू किया तो मुझे बहुत पसंद है यू नो लाइक ये देसी खाने, ओफ आई कांट स्टॉप माय हैंड ऑन देसी खाना यार. एनीवेज सो ये जो देसी खाने ना इन पर मेरा हाथ नहीं रुका एंड मैंने स्टार्ट ईटिंग. और जब मैंने खाने खाने शुरू किए तो मेरी स्किन भी अच्छी हो गई. शायद आप लोगों को याद हो कि मेरी स्किन थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो रही थी मेरे पहले ड्रामे में, देन अब थोड़ी सी बेहतर हो गई, शायद ज़्यादा बेहतर हो गई है, आई डोंट नो. उसके बाद मेरे बाल भी अच्छे होने शुरू हो गए. जस्ट बिकॉज यू नो आप खाना खाना शुरू करते हैं तो आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है उस खाने के अंदर होती है, और वो फिर हमें वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं और यू नो बाल अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है. बट
उससे तीसरा नुकसान ये होता है कि आप थोड़ी सी चबी हो जाते हैं, लाइक माई चीक्स. एंड आई हैव दैट प्रॉब्लम इन माई फैमिली, यू नो. ये मुझे मेरी मदर से आया है कि हमारा जो भी खाना पीना है ना, वो कहीं नहीं आएगा, वो इधर आ जाएगा, इट्स लाइक हियर. तो अगर मैं कल रात को भी कुछ खाऊंगी ना, तो सो अगर मैं रात को राइस खाऊंगी लेट नाइट, या मैं कुछ भी यू नो लाइक मंचिंग कर लूँगी रात में, जो मैं अक्सर करती हूँ, तो सुबह यू हैव ये आप लोगों को ये मेरा नज़र आएगा. सो दिस इज मी लाइक गोलू गोलू से. एनी वेज, दिस इज नेचुरल. सो या, तो हेयर फॉल की बात करते हैं, जिसके लिए एक्चुअली आई एम हेयर. द सेकेंड थिंग, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. किसी ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया इस वीडियो के लिए. नोबडी इज पेइंग मी एनीथिंग, ठीक है. इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था क्योंकि मुझे ये था कि सबको जान, अगर कोई चीज़ अच्छी अगर हम इस्तेमाल करते हैं और हमें उससे फ़ायदा हुआ है, तो हमें आपको बताना चाहिए. क्योंकि यू नो आई हैव सो मैनी फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड दे लव मी एंड आई लव देम लाइक. सो यू नो, मुझे था कि मैं उनको बताऊँ कि क्या चीज़ है जो मुझे फ़ायदा दे रही है. तो मैं चाहती थी कि मैं वो फ़ायदा और वो जो उस चीज़ का जो फ़ायदा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और वो चीज़ शेयर करूँ कि उस कि वो क्या चीज़ है. देर इज़ आई वॉज इन लाहौर 2 months ago एंड वन ऑफ माई फ्रेंड हिना, सो शी कॉल्ड मी एंड यू नो हिना का सैलॉन है लाहौर में, हिना बेक कटिंग एज के नाम से, कटिंग एज हिना, हिना बेक नाम है उसका पूरा. शी इज़ ऑन इंस्टाग्राम इज वेल, आई कैन यू नो टैग यू ताकि आप लोग देख सकें उसका सैलॉन. सो यू नो हम, मैं उसके बारे में अक्सर बात करती रहती थी बिकॉज शी पोस्टिंग पिक्चर्स अबाउट हेयर एंड हेयर कलर एंड ऑल. एंड यू नो मुझे बहुत शौक है बालों को डाई करने का और कलर कराने का. व्हेन आई वाज 12 ईयर ओल्ड, आई रिमेम्बर उन दिनों हम लोग को बहुत शौक होता था ईमो गर्ल बनने का. आई होप यू गाइस नो ई गर्ल, ईमो गर्ल. सो उसमें फिर मैं एवरल का ज़माना था, एवरल लेपिकानी से. देन फिर मैं क्या करती थी, अपने बालों को कहीं से पिंक करती थी, कहीं से येलो करती थी, कहीं से ग्रीन करती थी, और उसने मेरे बालों की तबाही करी. तो उसी ने नहीं करी, खैर काफ़ी सारी वो तो होनी थी बाद में आके, लेकिन स्टार्ट था वो वहाँ से हुआ था बालों का. सो मैं उसकी चीज़, मुझे लेकिन अभी भी बहुत पसंद है बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, डाई कराना एंड ऑल दैट. बट अभी आई स्टॉप माई हैंड बिकॉज ऑफ माई हेयर फॉल एंड एवरीथिंग. सो मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी हिना से, शी वॉज लाइक अरीबा. एंड देन आई टोल्ड हर यू नो मैं ये कट नहीं करा सकती हूँ बिकॉज मेरे बाल बहुत थिन है एंड आई हैव दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. एंड आई हैव इट कि लाइक मेरे जो बाल है वो बहुत थिन है, एज ऑल यू कैन सी दिस इज सो थिन. तो मेरा बाल बहुत पतला है, ठीक है. तो मुझे ये भी प्रॉब्लम होती थी कि मेरा बाल बहुत पतला है, तो मैं क्या करूँ, किस तरीके से इसको यू नो अच्छा करूँ. बट यू नो लोगों के बाल थिन होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट बाल होते हैं. किसी के बाल बहुत घने होते हैं, किसी के बहुत हल्के होते हैं, किसी के बाल बहुत अच्छी लेंथ उनकी ज़्यादा जल्दी बढ़ती है, किसी की कम देर में बढ़ती है. तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि मेरी जो लेंथ है वो देर में बढ़ती है, जल्दी नहीं बढ़ती है, और थिन भी है. दोनों प्रॉब्लम्स हैं, देख रहे हैं आप. और ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ नॉट, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक दिस इज़ समथिंग जेनेटिक एंड दिस इज़ समथिंग नेचुरल. यू नो जैसे सबके स्किन टाइप्स अलग होते हैं, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है, तो इसी तरीके से किसी का बाल हल्का होता है, किसी का बहुत यू नो थिक बाल होता है, बहुत मोटा बाल होता है, हम कहते हैं ना मोटा बाल. सो या कम टू द पॉइंट. सो We were talking on phone and she just mentioned करीबा तुम्हारे बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं, why don't you try oil. अच्छा, आप oil के बारे में, मुझे बहुत ही गलत किस्म की knowledges थी कि oil जो है वो आपके scalp को oily करता है, और सारे जो भी हम बाहर जाते हैं तो जो भी oil या कुछ भी dust होती है उसको absorb करके आपके scalp में डाल देता है, एंड देन आपकी ग्रोथ रुक जाती है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि यार ये तो मतलब बैड सीन हो गया है, मतलब ऑयल तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए. सो मैंने अपनी लाइफ से एटलीस्ट शायद 1.5 साल और मैं भी 1 साल अपने बालों को ऑयलिंग करना छोड़ दिया था. मैंने कहा था नहीं, ऑयल इज़ नॉट गुड, मुझे ऑयलिंग नहीं करनी. एंड मामा इज़ लाइक कैप सेइंग करीबा ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू इट, यू नो ज़रूरी होता है, क्यों नहीं कर रही हो. एंड आई एम लाइक नो मुझे नहीं करना अम्मा, दिस इज़ नॉट गुड, आई हैड सो मैनी स्टोरीज एंड आई रेड आर्टिकल्स. ट्रस्ट मी गाइज, ऑयल से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं है. ऑयलिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है.
So she was like, Reba, तुम oil इस्तेमाल करो. This is my mom's oil. उसकी mother जो है वो oil बनाती है natural ingredients के. और actually जब आप वो oil इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर जो ingredients उनकी, you guys can smell the ingredient, you can see the ingredients inside the bottle. And you know it's natural actually. And you know हम सब लोग natural चीज़ों पर तो मरते हैं ना, क्योंकि natural, तो it's natural, it's not chemical. तो मैंने उसे पूछा कि अच्छा ठीक है मुझे भेज दो, बट है ना मैं इसको कुछ प्रमोट नहीं करूँगी, लेट मी ट्राई दिस फर्स्ट. एंड देन माई भाई वॉज लाइक, रीबा यू नो तुम लोग कोई भी चीज़ डाला करो अपने इंस्टाग्राम पे तो बहुत सोच समझ के डाला करो, क्योंकि यू नो यू हैव सो मैनी फॉलोअर्स ऑन योर इंस्टाग्राम एंड दे आर सो मैनी यंग गर्ल्स एंड किड्स एंड यू नो दे आर फॉलो यू, तो तुम लोग कुछ भी डालते हो ना तो वो लोग उसको नोटिस करते हैं, देखते हैं और उसको फिर फॉलो अप भी करते हैं और उस चीज़ को जाके ख़रीदते हैं और वो सोचते हैं कि हमें तो रीबा ने कहा था या किसी ने पोस्ट डाला था फ़लाँ फ़लाँ ने, तो वो तो चीज़ बड़ी अच्छी थी, तो लेट्स ट्राई दिस. तो प्लीज़ तुम लोग ज़रा सोच समझ के किया करो तुम लोग, मतलब. तो मैंने बोला हाँ यू आर राइट बिकॉज मैं ये चीज़ें करती हूँ, बट इतना नहीं मैंने सोचा था. एनीवेज तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे इन्होंने कहा कि ट्राई करो, उसकी मदर हैं जो ये ऑयल बनाती हैं बेक के नाम से, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ. तो मैंने वो ऑयल पिछले 2 महीने से ट्राई किया है एंड यू गाइस हैव नो आइडिया. मैं हफ्ते में 2, मैंने सोचा रेगुलर करती हूँ, चलो ट्राई करती हूँ जिस तरीके से उन्होंने बोला है. हफ्ते में 2 दिन लगाना है एंड थोड़ा सा वार्म करके लगाना है, हल्का सा गर्म नहीं कर लेते ऑयल को लगाने से पहले, वो करना है. और जब ऑयल को आपने डालना है थोड़ा सा वार्म करने के लिए तो आपने उसको अच्छे से बॉटल को अच्छे से शेक कर लेना है, तो उससे ये होगा कि वो जो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे और वो फिर यू नो आप जब ऑयल डालेंगे तो इंग्रेडिएंट्स भी आएंगे उसमें. और हल्का सा वार्म करके और उस ऑयल को आपने यहाँ स्कैल्प पे मसाज करना है थोड़ा थोड़ा सा, और नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स फॉर स्कैल्प. तो सिर्फ अपना जो आपका सर है उसके ऊपर अपर पोर्शन में सारा लगा के अच्छे तरीके से मसाज करें एंड देन आप 2 घंटे के लिए छोड़ दें उसको. मैंने तो खैर ओवरनाइट भी रखा है जो बात है, वो अलग बात है, मैंने अपने सारे पिलो कवर्स ख़राब कर दिए हैं एंड मेरे अम्मा वज लाइक करी बाबी कौन निकालेगा इसके दाग, लेकिन मैंने ओवरनाइट भी लगाया है. सो एंड उसके बाद 2 महीने बाद मुझे मेरा डिफरेंस फील होने लगा. आप लोगों ने शायद नोटिस किया मेरे जो फैंस हैं कि मेरे बाल बीच में बहुत थिन हो गए थे, स्पेशली फ्रॉम हेयर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्का बाल हो गया था मेरा. और मैं बहुत परेशान थी, मैं क्या करूँ बिकॉज यू नो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से अगर बाल चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे. और मुझे ये जो लेज़र वेज़र जो लोग कराते हैं ना, मुझे इससे बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने लेज़र करा लिया और कुछ यू नो हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और बाल नहीं आया तो मैं क्या करूँगी यू नो. और मुझे बहुत ना इरिटेट करती हैं ये एक्सटेंशन एंड वेग्स एंड ऑल. ऑब्वियसली हमें कभी कभी करेक्टर के हिसाब से लगानी पड़ती हैं फॉर आर ड्रामास, लेकिन पढ़ा मुझे ना वो तंग करती हूँ, खासकर गर्मियों में तो लगाना इज़ अ बिग हैसल. तो खैर मैंने 2 महीने वो ऑयल लगाया जिस तरीके से आंटी ने मुझे कहा था, और यू गाइस हैव नो आइडिया, आई हैव सीन अ बिग बिग एंड अ ह्यूज डिफरेंस इन माय हेयर. एंड फिर मैंने सोचा कि जब कल मैं बहुत एक्साइटेड थी यस्टरडे, आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई हैव सीन दिस डिफरेंस, मैंने अपने बाल देखे हुए थे, मैंने पिक्चर्स देखी और मुझे फील हो रहा था. मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा ऑयल है, यू नो मेरे बालों में थिकनेस फील हो रही थी, मेरे बालों के रूट्स जो है वो मुझे थोड़े थोड़े से थिक अच्छे फील हो रहे थे, सॉफ्ट हो गए हैं एंड यू नो आई कैन फील दैट क्या कहते हैं उसको, बॉडी बालों में फील हो रही थी. तो मैंने सोचा कि ये तो ज़रूरी है करना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. एंड देन यस्टरडे आई वॉज सिटिंग एंड आई डिस्कस विद माई अम्मा कि क्या मैं ये चीज़ करूँ, एंड माई अम्मा इज़ लाइक ज़रूर करो, यू नो मेरी लाइफ का मेरा जो बेस्ट सपोर्टिंग पार्ट है वो इज़ माई मदर, एंड शी इज़ ऑलवेज लाइक यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू गो देयर, वाई डोंट यू डू दिस रीबा, वाई डोंट यू गो देयर. सो शी इज़ द वन हू जस्ट यू नो लाइक ड्रैगिंग मी फॉर थिंग्स समटाइम्स, बिकॉज यू नो वेन एवर आई फील कि मैं थोड़ा सा लेजी हो रही हूँ एंड आई डोंट फील लाइक गोइंग, तो वो मुझे जो है ना कहती रहती हैं कि अच्छा ये कर लो, यहाँ क्यों नहीं गई हो, यहाँ क्यों नहीं गई. अब जैसे शी जस्ट केप्ट आस्किंग मी कि तुम मैश पे क्यों नहीं गई हो अभी तक, कल मुझे मैश पे जाना था कराची किंग्स ऑफ कोर्स, बट मैं नहीं जा सकी क्योंकि जब मैं कल सुबह उठी तो मेरा थ्रोट बहुत पेन कर रहा था. आई थिंक मैंने रात को कुछ खाया था, कुछ कचरा समथिंग यू नो लाइक कचरा, तो मैंने कुछ खा लिया था थोड़ा बहुत, यू नो जब हम मंचिंग करते रहते हैं थोड़ी बहुत, तो उससे मेरे गले में थोड़ा सा कुछ हो गया था. और सुबह जब उठी तो मुझे बहुत पेन हो रहा था एंड मैं डर गई कि क्या हो रहा है, यू नो दीज डेज तो हम लोग हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं फ़ौरन.
सो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं था, बस उस विवेक मुझे थोड़ा सा थ्रोट का था, बट वो अल्लाह का शुक्र ठीक हो गया माशाल्लाह, कल ठीक हो गया था तो मैं नहीं जा सकी, बट कॉन्ग्रेचुलेशन कराची किंग्स, आप लोग जीत गए कल, बहुत अच्छा था. एंड द सैड न्यूज़ इज़ दैट आज सुबह मैंने देखी दैट यू नो जो मैचेस हैं, जो सीरीज है PSL के, उनको पोस्टपोन कर दिया आई थिंक बिकॉज ऑफ कोरोना. सम प्लेयर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव कुछ थे, तो आई एम सो सॉरी फॉर देम एंड आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और इंशाल्लाह यू नो दोबारा से मैच सीरीज शुरू हो जाए. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है, दे आर फॉलोइंग SOPs वेरी स्ट्रिक्टली. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई सेड कि मुझे मैच पे जाना है और मैं मैच पे जा रही थी कल, सो आई हैव दिस मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई व्हाट्सएप सॉरी, दे सेंट मी दैट मैसेज फॉर द SOPs दैट यू आर कमिंग दिस, यू आर ब्रिंग दिस, और ये यूज करना है, ये मास्क लगाना है, ये करना है, वो करना है, ब्ला ब्ला ब्ला. So I'm like, okay, fine, I will do that. I have to follow those rules because, you know, in the end, it's for our safety. So, but होने वाली बात ही हो जाती है और in the end हो गया. But I hope उन लोगों की तबीयत अब ठीक हो जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर सीरीज इंशाल्लाह दोबारा से शुरू हो जाए और हम लोग इन्जॉय करें PSL. Okay. अब PSL की बहुत बात हो गई, कम बैक टू द पॉइंट, द ऑयल पॉइंट. सो कल मैंने हिना को फ़ोन करके पूछा कि हिना मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, मतलब क्या चीज़ कर, मुझे जानना है कि आंटी ये किस तरीके से बनाती हैं. तो शी टोल्ड मी कि जो उसकी मदर हैं, आंटी जो हैं, वो हर चीज़ अपने गार्डन में जो है वो उनको उन्होंने लगाया हुआ है, यू नो लाइक पुदीना या कोई बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शी इज़ यूजिंग. लेट मी शो यू द बॉटल. जो ऑयल है मैं जो यू, दे हैव थ्री ऑयल्स, ठीक है, एक डेंड्रफ के लिए है, ग्रोथ के लिए, देयर इज़ वन अनदर, बट जो मुझे भेजा था हिना ने, वो भेजा था ग्रोथ एंड वॉल्यूम बूस्टर. एज ऑल यू कैन सी इस पे बेक मामा पे लिखा है, मामा बेक, बिकॉज यू नो इट्स माई फ्रेंड्स हिना बेक एंड हर मदर मामा बेक. सो एक्चुअली इस मामा बेक प्रोडक्ट डिज़ाइन मैन्युफैक्चर्ड एंड पैकेज इन पाकिस्तान, क्योंकि उन सारी चीज़ें अपने घर पर ही वो इस्तेमाल करती हैं. इंग्रेडिएंट्स एंड नीम, नीम भी उन्होंने अपने घर पे लगाया हुआ है, अनियन वाटर, जिंजर एक्सट्रैक्ट और एसेंशियल ऑयल्स जो वो डालती हैं चार. अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे ऑयल्स हैं जो लोग क्या करते हैं कि ऑयल्स को बाहर से खरीदते हैं और सारे ऑयल को मिक्स करके ना एक ऑयल बना के बेच देते हैं. ये वो वाला ऑयल नहीं है. इस ऑयल में जो जो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है ना, जैसे एग ऑयल है, जो ये सारा आंटी खुद करवाती हैं अपने घर में जो, और उसके बाद फिर वो इसको जो है मिक्स करती हैं खुद सारी चीज़ों को, उनको ऑयल निकालती हैं फिर मिक्स करके फिर वो पैकेज में बेचती हैं. ऐसा नहीं है कि वो सब लोगों से इधर से कुछ आता है इधर से कुछ आता है, नो, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग एट हर हाउस. और इसको लगाने का तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि मैं वीक में दो दिन यूज़ कर रही थी वार्म करके, और मैं जो यूज़ कर रही थी वो ये कर रही थी ग्रोथ एंड वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है. सो ये है आप लोग, ऑफ़ कोर्स ये वैसे तो मेरी जो फ्रेंड है ना, उसके हर सैलॉन पे अवेलेबल है. उसके जो सैलॉन्स हैं वो हैं कैवलरी ग्राउंड, DHN, देयर इज़ वन एट MM आलम आई थिंक, आई एम नॉट श्योर इस द नेम, बाय कटिंग एज. और वहाँ पर तो ये ऑयल अवेलेबल है ही, बट ये ऑयल आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, दे डिलीवर एट योर हाउस, क्योंकि ये लाहौर बेस हैं, बट मैं कराची में रहती हूँ और वो मुझे कराची में अभी रिसेंटली मैंने उसको बोला कि अभी मुझे एक बॉटल नहीं दो बॉटल्स भेजो क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट. ये देखिए ख़त्म हो गया थोड़ा सा, देखिए दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल. सो मैंने कहा ख़त्म हो गया तो ना वो मुझे दो बॉटल्स और भेजो, सो ना वो मुझे लाहौर से कराची डिलीवर करें. सो दे हैव दिस सर्विस एज वेल, दे सेंट यू इन कराची और इस्लामाबाद और फैसलाबाद, वेन एवर यू नीड ना. सो ये भेजें, I'll show you once again, so then you can see this is the bottle. Take care and thank you so much auntie for this amazing product for my hair, because you know as a media person hum logo ko every day you know hum logo ko cheeze lagani hoti hai apne baalon pe, blow dryer cheeze, to wo usse to baal daba ho jate hain. सो प्लीज़ आप लोग जाके ये ऑयल परचेज़ करें, अगर आप लोगों को समझ आता है तो फिर ट्राई करें ज़्यादा.
ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, व्हाट आई एक्सपीरियंस अबाउट दिस ऑयल, दिस इज माई एक्सपीरियंस. अब मुझे नहीं पता कि मेरी तरफ से तो ऑब्वियसली आई हैव यू नो सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल, कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सारी नेचुरल चीज़ें, तो इट विल नॉट हार्म यू, कोई नुकसान नहीं होगा आपको, ये तो प्रॉमिस है हमारा, वादा है. सो यस, आजकल मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ जिसमें बहुत सारे उर्दू किस तरह के वर्ड्स हैं, तो मुझे यू नो ले एकदम से वादा. सो आप लोग इस्तेमाल करें और प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा. मैं भी एक पोस्ट डालूंगी ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, सो आप उस स्टोरी के ऊपर उस ऑयल का जो टैग है जहाँ पर ये अवेलेबल है और उन जगहों के नाम जहाँ जहाँ ये मिलता है, और वो मैं सब टैग कर दूंगी डिटेल्स, ताकि आप लोग आराम से देख सकें एंड परचेज कर सकें. ठीक है, ओके. सो हमारा हेयर फॉल हेयर, अच्छा जिन लोगों को डैंड्रफ है, बिकॉज देयर सो मेनी बॉयज हु मैसेजिंग मी ऑन माई दैट पोस्ट के भाई हमें तो डैंड्रफ है. मेरे अपने भाई को भी डैंड्रफ है, शेरी को जो मेरा छोटा भाई है उसका भी यही प्रॉब्लम है कि उसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है, हर वक्त उसका डैंड्रफ रह रहा होता है. सो प्लीज़ आप लोग केमिकल चीज़ों से बचें. शैम्पू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो शैम्पू हम लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक शैम्पू है जो मैं यूज़ कर रही हूँ एक महीने से, बट नाउ आई हैव टू सी कि उसका रिजल्ट मुझे क्या फील होता है. मैं अभी एक डेढ़ महीना और यूज़ करूँगी, देन आई शेयर विद यू गाइस अगर वो मुझे अच्छा लगा तो. तो वो नेचुरल नहीं है, वो कंपनी बेस्ड है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है, सो वो तो मैं अभी नहीं बता सकती बिकॉज यू नो अभी मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि वो अच्छा है कि नहीं है, बट दिस ऑयल तो मैंने एक्सपीरियंस किया और आप लोगों को बता दिया. सो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, फिर मुझको भी ज़रूर बताइएगा. एंड यस, सो द लास्ट थिंग, आई होप यू ऑल वेल एंड यू नो डूइंग गुड इन योर लाइफ. प्लीज़ फॉलो योर SOPs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आई नो आप लोगों के बीच में मैं भी हूँ, हम दोनों हैं, क्योंकि मैं भी अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गई हूँ, यू नो यूज़ टू हो गई हूँ कि अच्छा अभी करूँ है तो मास्क भी उतर जाता है कभी कभी, कुछ उठ जाता है कभी, शूट पर होती हूँ तो हमने कहा फाइन कोई बात नहीं, लेट इट डू इट, लेट यू नो ऐसे हो गए हम लोग, बट ये ना करें, दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस थिंग. And thank you so much, my friends. Thank you so, so, so very much for giving me love. And I recently got an award. Yes. So I'm so happy. Thank you so much, ARY, for giving me the amazing, this gesture. I think this is amazing. Award winning thing is a, you know, it's a different feeling for me. And it's my first award. So of course, I'm so lucky that mujhe as a Misha you all love me and you know you appreciate my work and my hard work. I don't know, I have no words. Even you know jab main award bhi le rahi thi, I was so nervous, you know main sara kuch bhool gayi thi ki mujhe bolna kya hai, to ye hota hai, I mean this is natural. So jo dil se aaya wo bol diya wahan par, kyunki jo socha tha wo sab bilkul blank ho gayi thi jab main स्टेज पे गई. बट थैंक यू सो मच ARY, फहद मुस्तफ़ा, आबस रज़ा एंड माई टीम, मिनाल, इमाद, फहद, एवरीबडी यू नो हु गिविंग मी दिस मच लव एंड सपोर्ट एंड द चांस ऑफ दिस ड्रामा एंड थैंक यू ARY ऑल्सो. सो या, सो दिस इज the thing जो मैंने आज ये किया है लाइव सेशन, इज जस्ट ऑल अबाउट द हेयर थिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर कर दी. यू गाइस मस्ट ट्राई. मैं फिर कह रही हूँ कि मैं उस सारी डिटेल्स को कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, मैं वो सारी चीज़ें अपनी अभी जो लाइव के बाद जो मेरी स्टोरी होगी उस पर टैग कर दूंगी एंड यू गाइस कैन सी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, एंड आई होप यू आर वेल एंड डूइंग गुड एंड यस. सो thank you so much my lovely 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 followers and my beautiful girls who are there who's really supporting me on my pictures on my thing, you know mujhe bahut acha lagta hai jo choti choti si bachchiyan, you know, like 17 year old or 15 year old, they're just messaging me arre baapi and all, so you know ye feeling kuch next different feeling hoti hai. But thank you so much for your love and your support. I hope
आप लोगों को मेरा ये लाइव सेशन पसंद आया होगा. मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी से पहले ही, ना लगे करूँ ना करूँ. बट देन लाइक ओके आई हैव टू डू इट, व्हाई नॉट. यू नो आप लोग हमें टीवी पे देखते हैं, हम लोगों से बात नहीं कर पाते. सो आई थिंक दिस इज द राइट वे टू टॉक टू यू गाइज, टू लिसन टू यू गाइज. सो एन्जॉय योर मोमेंट, एन्जॉय योर लाइफ एंड एन्जॉय एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ. एंड दुआ करें फॉर योर लव वंस, दुआ करें अपने लिए कि आप लोग खुश रहें और अच्छे से रहें और सेहतयाब रहें. थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई सी यू सून इंशाल्लाह. एंड नाउ माई नेक्स्ट इज फॉर माई स्किन केयर. सो मैं अब नेक्स्ट जो है अपना स्किन केयर का शेयर करने वाली हूँ. बाय द वे माई ड्रेस इज फ्रॉम क्रॉस स्टिच. देयर आर सो मेनी गर्ल्स जो नो आस्किंग मी कि ड्रेस कहाँ से, दिस इज फ्रॉम क्रॉस स्टिच. मैंने ये आई थिंक पोस्ट में भी टैग किया है, डाला है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्रॉस स्टिच ड्रेस बाय द वे. एंड द कैंपेन इज रियली नाइस. यू नो वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन द कैंपेन इज सज्जल अली. सो आई होप यू लाइक इट. And please support करें, जाकर जरा देखें. Cross stitch designs are really nice. It's so comfortable. I'm wearing it right now. Perfect for summer. So enjoy your life. God bless you. Love you so much. And I'll see you inshallah soon. Bye. Yeah. I don't know how to do it. I don't know how to end my live show. I really don't know how to end my live show actually. I'm too bad in these things. Oh God.